In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Ghulam-e-Mustafa. Dosto movie Ghulam-e-Mustafa jo release hui thi 31st October 1997 ko ye ek Bollywood action crime drama movie hai jisko 5 mein se 3.5 star ki rating di gayi thi. Iske director hain Partho Ghosh, producer hain पीजी श्रीकांत और साथ ही दिनेश गांधी. इसके अगर मैं राइटर की बात करूं तो वो है प्रसन्ना कुमार. अब आते हैं फिल्म की कास्ट पर. इसमें नाना पाटेकर, रवीना टंडन, परेश रावल, अरुणा ईरानी, मोनीश भैल, उसके अलावा मोहन जोशी, ये सारे इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफ़ी सारे कास्ट सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी. अब जो फिल्म है गुलाम ए मुस्तफ़ा, ये 1996 में आई तमिल फिल्म जिसका नाम था मुस्तफ़ा, उसका रीमेक है. और साल 2001 में इस मूवी का एक बांग्लादेशी रीमेक बनाया गया था जिसका नाम था अब्बा जान. साथ ही आपको बता दें कि फिल्म जो है गुलाम ए मुस्तफ़ा, ये फिल्म क्लैश हुई थी दो और बॉलीवुड फिल्मों के साथ, यानी कि सेम डे टोटल 3 बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई थी. पहली फिल्म शाहरुख खान की फिल्म दिल तो पागल है, फिल्म नंबर 2 सुनील शेट्टी की फिल्म भाई. खैर बात करते हैं कलेक्शंस की, तो फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 8 करोड़ 81 लाख रुपए का, 8 करोड़ 81 लाख का. इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो है 14 करोड़ 5 लाख का, 14 करोड़ 5 लाख का. इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 51 लाख रुपीज़ की कलेक्शन की थी. और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 14 करोड़ 56 लाख रुपए का, 14 करोड़ 56 लाख का. इसका बजट था 5 करोड़ 50 लाख का. अब 5 करोड़ 50 लाख के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 8 करोड़ 81 लाख का, उस हिसाब से अगर हम वर्ड इट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म गुलाम ए मुस्तफ़ा बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी. फिल्म की ऑफिशियल वर्डिक्ट है वर्ल्ड वाइड सेमी हिट की. रही बात गानों की, तो फिल्म की गानों की एल्बम में टोटल 6 गाने थे. गानों को कंपोज किया था राजेश रोशन जी ने और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे समी आनंद बख्शी जी ने. साथ ही बता दें कि फिल्म गुलाम ए मुस्तफ़ा, इसको तमिल और तेलुगु इन दोनों में भी डब किया गया था. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त. अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.